दुनिया में पैदा होने वाले हर एक बच्चा खास होता है। कुछ बच्चा अलग दिखने के कारण और कुछ वैसे विशेष योग्यता के कारण दुनिया में बहुत जल्दी सा मशहूर हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही बच्चे के बारे में बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिरी बच्चा आपके होश उड़ा देगा। लेकिन अगर आप हमारे फैक्ट टेकन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, दीपक पासवान। भारत के बिहार में छोटे से गांव के इस बच्चे के पेट में 8 अंग जुड़े हुए थे। दीपक के मां के मुताबिक ये गर्भ में ही एहसास हो गया था कि उसके कोख में जन्म लेने वाला बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है। दीपक के जन्म के बाद कई लोग उसे हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी के रूप मान रहे थे, तो कुछ लोग उस बच्चे को शैतान कह रहे थे। कुछ गाँव के लोगों को दीपक के पैदा होने का कारण चंद्रग्रहण भी मान रहे थे। जब दीपक के पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसा खर्च होगा। उसके बाद दीपक के पिता उसे घर ले आए, फिर उसको बैंगलोर ले जाने के लिए तैयार की ताकि फ्री में उसे ट्रीटमेंट करा सके। फिर 2 घंटा उसे ऑपरेशन करने के बाद अब सभी बच्चों की तरह नॉर्मल हो गए। नंबर 3, मोंटा वालो। उत्तरी कोलंबिया में रहने वाली बच्चे के पीठ में जन्म से ही एक बहुत बड़ा तिल था, जो उसके शरीर के साथ साथ तिल बढ़ रहा था। उसके शरीर के अलग अलग बनावट के कारण कछुए वाला लड़का बुलाते थे। बिडियर के शरीर में 20% वजन तिल का ही था। गर्मियों में गर्मी ज्यादा होने के कारण उसकी पीठ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी। बिडियर के इलाज के लिए उसके माँ ने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी लोगों ने उन्हें मदद करने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी माँ के पास किसी का कॉल आया और उन्होंने बिडियर को ले जाने के लिए तैयार की और उसका ऑपरेशन उस व्यक्ति ने फ्री में करवाया। अब बिडियर एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। नंबर 2, टेसा एबेंस। टेसा एबेंस का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इस बच्ची का जन्म बिना नाक के ही हुआ था। इस बच्ची को एयरनिया नाम के एक बीमारी के कारण इसके चेहरे पे नाक नहीं है। ये बच्ची किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाती। आपको बता दें कि ये बच्ची दुनिया की पहली बच्ची है जो सांस लेने के लिए एक बनावटी उपकरण की उपयोग करता है, जिसे ये सांस ले सके। नंबर 1, जैक्सन बुल। जैक्सन बुल बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है। इस बच्चे ने सभी डॉक्टरों के रिसर्च को गलत साबित कर दिया है। आपको बता दें कि जैक्सन बुल की ये बच्ची आधा खोपड़ी और दिमाग गायब है, उसके बाद भी ये बच्ची जिंदा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्चे को मेंटोहेबेनिस फैले नाम की एक बीमारी है। डॉक्टर्स ये कहते हैं उसके जैसे बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते और 3-4 दिन में ही मर जाते हैं। लेकिन हाल ही में इस बच्ची ने 2 साल पूरी कर ली है और हम इस बच्ची के लिए लंबी उम्र दुआ करते हैं। और आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इन बच्चों में से सबसे प्यारा बच्चा कौन सा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।